गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 28 नवंबर 2023 मंगलवार एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। आइए देखते हैं कि कल डॉलर इंडेक्स एंड अदर करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। ऑल्दो हमारा इंडियन मार्केट हॉलीडे था ड्यू टू गुरु नानक जयंती, सो डॉलर इंडेक्स कल एक सॉफ्टनेस देखा गया। आपका From 103.53 on the higher side to 103.18 on the lower side. So, यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है, कहाँ पे है आपका 102.95 से 103.35। इस जोन सपोर्ट जोन को कैसे ये ब्रेक डाउन करते हैं एंड उसके बाद लोअर एंड में चले जाते हैं, वही हमें देखना है। क्या ये यहाँ पे और थोड़ा टाइम पास करेगा या इमीडिएटली एक दो ट्रेडिंग डेज में इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि डेली आरएसआई जो है वो है आपका करंटली एट 31.56 बिलो 40। मींस डेली में अच्छा खासा बेरिशनेस जारी है। अगर हम वीकली आरएसआई देखेंगे वो एट 43.63। So, ये जब जैसे ही 40 लेवल्स पे आएंगे उसके बाद शायद हल्का सा एक सपोर्ट ले सकता है, जो जब आएगा उसके बाद हम देखेंगे। डॉलर रुपी साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है। करेंटली इट इज एट योर 83.35 के अराउंड। सो नथिंग न्यू, जस्ट वी नीड टू वेट एंड वॉच कैसे प्राइस बिहेव कर रहा है। हमें अलर्ट रहना है एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के लिए, लेकिन कब ये होगा कोई पता नहीं है। जीबीपी डॉलर जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस था, ये आपका फ्राइडे के दिन इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ देता है, जो ऑलरेडी तोड़ चुका है फ्राइडे के दिन, उसके बाद देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि जीबीपी डॉलर में मूव टुवर्ड्स 1.2730 to 1.2760 इस टारगेट की तरफ जाना चाहिए। एक बार वहां पे पहुंच जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे। आपका डेली आरएसआई अबव 60 है, काफी बुलिशनेस बरकरार है। बाय टिप्स मे बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। जो वीकली आरएसआई है इट इज अप्रोचिंग 60 करेंटली एट 57.27। दैट बीइंग द केस यहां पे इस लेवल पे आने के बाद 1.2730 to 1.2760 के बीच में आने के बाद हल्का सा एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। हमें देखना पड़ेगा उस टाइम पे वो रेजिस्टेंस लेते हैं या स्ट्रेट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर लेते हैं। जीबीपी आईएनआर अभी है आपका 105.26, बुलिशनेस बरकरार है। एंड इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है, पहला रेजिस्टेंस है 105.3545 एंड दूसरा रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है ये जोन आपका यहां पे, ये जोन कौन सा है आपका 106.05 से 106.35 का, उसके बाद का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। सिमिलरली यहां पर भी RSI daily above 60 super bullishness है, weekly RSI just moving above 60 currently at 60.53। so यहाँ पे अच्छा खासा strength है। so these are the two levels, पहले इसको क्या resistance लेते हैं या straight ऊपर की तरफ breakout करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी देखते हैं euro dollar ये जो immediate resistance था उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। एंड जैसे ही आपका 21 नवंबर का हाई क्या है 1.0965, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, क्लियर कर देगा, तो एक अच्छा खासा तगड़ा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीच बीच में छोटा छोटा रेजिस्टेंसेस आ सकते हैं, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका 1.1250 से 1.1275 के बीच। यहाँ पे आपका सिमिलरली डेली आरएसआई अबव 60 बट वीकली आरएसआई जस्ट नियर 60 59.78। सो हमें देखना है कि वीकली आरएसआई पर्सपेक्टिव में इस एरिया के आसपास
हल्का सा रेजिस्टेंस लेते हैं या क्लियर करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अभी आते हैं आपका जी यूरो आयनर। यूरो आयनर कल के दिन एक अच्छा खासा मीन्स स्ट्रेंथ देखा गया, बट इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है आपका 91.40 से 91.60, इसमें थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है। एक बार ये आपका 21 नवंबर के हाई के ऊपर क्लियर कर देते हैं, इन सच ए केस हमारा जो टारगेट हो सकता है 92.40 से 92.60 के बीच में। डेली RSI सुपर बुलिश अबव 60 एंड वीकली RSI इज आल्सो अबव 60 एट 64.56। So, यहाँ पे बुलिशनेस दोनों टाइम फ्रेम पे बरकरार है। So, हमें अगर चार करेंसी पेयर्स में GBP डॉलर, GBP आयनर, यूरो डॉलर, यूरो आयनर, ये चार करेंसी पेयर्स में अगर थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग का लिए बेस्ट ऑप्शन अगर हम ढूंढना चाहेंगे तो यूरो आयनर पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने का पॉसिबिलिटीज है। अभी डॉलर येन में कल के दिन एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया। इट ट्रेडेड इन बिटवीन 149.67 ऑन द हायर साइड एंड 148.54 ऑन द लोअर साइड। करेंटली इट इज एट 148.20। डेली RSI एट 40.55। सो दिस इज द लास्ट एरिया जहां पे डेली RSI पर्सपेक्टिव से ये सपोर्ट ले रहा है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। वीकली RSI above 60 से बिलो 60 आ रहे हैं। सो कंसीडरिंग दिस फैक्ट देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये पहले आपका 21 नवंबर का पिन बार का जो लो है क्या है 147.15, इस लो को चैलेंज करेगा। एक बार इस चैलेंज करने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो एक अच्छा खासा डाउनवर्ड प्रेशर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं येन आयनर पे करेंटली इट इज एट 56.23। कल के दिन इट ट्रेडेड इन अच्छा खासा एक अपवर्ड बुलिशनेस हमने देखे हैं। इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.5572 ऑन द लोअर साइड एंड 0.5608 ऑन द हायर साइड। एंड आज के दिन में मॉर्निंग आवर्स में एशियन मार्केट में ये अच्छा खासा अप मूव हम देख रहे हैं। सो देखने वाला चीज क्या है यहाँ पे RSI at 60.45। एक हर्डल्स यही है, माइनर हर्डल्स यही है कि यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस लेता है या ऊपर की तरफ स्ट्रेट मूव करता है। स्ट्रेट मूव अगर करेगा तो पहला चैलेंज द हर्डल वो है हमारा 21 नवंबर का हाई क्या है आपका 0.5660, इसको चैलेंज करेगा। और चैलेंज करने के बाद अगर स्ट्रेट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली RSI बिलो 40 से अबव 40 चला गया है। सो अच्छा खासा स्ट्रेंथ यहाँ पे हम देख रहे हैं। डॉलर कैंडी में आप अगर देखोगे कल के दिन एक इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है, इनसाइड बार टू फ्राइडेज नेगेटिव कैंडल। इसका मतलब क्या है, ये इसके लो के नीचे यानी 24 नवंबर के लो के नीचे एक फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली पे ऑलरेडी वीकनेस बरकरार है, यहाँ पे वीकली RSI रेजिस्टेंस रेंज शिफ्ट किया हुआ है पहला बात। और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है ना, ये गजब का प्राइस एक्शन है। क्या प्राइस एक्शन, ये जो 6 नवंबर वीक का जो लो है इसके लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हमारा एक टेंटेटिव इमीडिएट जो टारगेट इस लेवल तक हो सकते हैं। ये लेवल कौन सा है, ये है आपका 1.3380 से 1.3410 के बीच। इस दिस मे बी आवर नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट वीकली बेसिस पे। ऑसी डॉलर पे जबरदस्त अप मूव हम देख रहे हैं, कल भी एक अच्छा खासा अप मूव देखा था। इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.6566 एंड 0.6614 एंड आज एशियन मार्केट में ये फर्दर ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। बट द RSI सेज बुलिशनेस अबव 60। सो एंड वीकली करेंटली एट 54.80। सो 60 होने के लिए अच्छा खासा रूम है। सो ये जो रूम है तब तक शायद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 0.6720 से 0.6800 इस रेंज तक आ सकते हैं। CNH में ये कंसोलिडेट कर रहे हैं currently at 7.1465। immediately lower level पे एक support level, उसी support level पे support लेने का प्रयास कर रहा है और एक range bound move बना रहा है। ये range bound move is very means
मीन्स कॉन्स्ट्रक्टिव इन नेचर. क्यों? इस कॉन्स्ट्रक्टिव इसीलिए है, इस यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद अगर नीचे के तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो एक अच्छा खासा बुलिशनेस हम मीन्स बियरिशनेस, एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं. क्या ये रेंज बनाने के बाद यहाँ पे नीचे के तरफ ब्रेक डाउन करते हैं? इन सच ए केस एक जबरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इन डॉलर CNH हम एक्सपेक्ट कर सकते. ब्रेंट क्रूड 80.27, कल के दिन एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमने देखे हैं इन बिटवीन 82.42 ऑन द हायर साइड एंड 79.61 ऑन द लोअर साइड. करेंटली इट इज एट 80.27. यहां पर भी एक कंसोलिडेशन जारी है. नीचे की तरफ आपका 78.50 एंड ऊपर की तरफ आपका 83. इस जोन के बीच में एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहे हैं. कंसोलिडेशन के बाद ट्रिगर है RSI. RSI 40 के आसपास ओवर अर्न कर रहे हैं. क्या ये 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा? इन सच केस ये बेस आउट करके ऊपर जा सकता है. अगर ये 40 को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो ये नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार होगा. सो करेंटली इस लेवल पे हमें दोनों साइड का तैयारी कर लेना चाहिए. और आपका US 10-year ट्रेजरी करेंटली 4.398. कल एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल देखा गया. इट ट्रेडेड इन बिटवीन 4.51 ऑन द हायर साइड एंड 4.38 ऑन द लोअर साइड. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कंसोलिडेशन. इस कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो हमारा जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट हो सकते हैं वो है आपका 4.229. ओनली कंसर्न इज RSI डेली एट 40.45. सो यहाँ पे क्या ये सपोर्ट लेता है? अगर नहीं लेता है एंड 40 के नीचे एक ब्रेक डाउन करते हैं तो अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे एक मिल सकते हैं. उसके बाद आते हैं हमारा 2-year ट्रेजरी. 2-year ट्रेजरी में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया फ्रॉम द हाइज. इट ट्रेडेड इन बिटवीन 4.985 ऑन द हायर साइड एंड 4.884 ऑन द लोअर साइड. यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन है 4.80 से 4.84 के बीच में. इसको नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो एक अच्छा खासा रन ऑफ हम देख सकते हैं, क्योंकि वीकली में रेंज शिफ्ट के बाद एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन. जैसे ही आपका ये 13th नवंबर के लो के नीचे एक डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट करेगा तो जबरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकते हैं. सो ये हो गया हमारा करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस. आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स. ऑल्सो ट्राई टू टेक बेनिफिट ऑफ द डायरेक्शंस. यहाँ पे हम ट्रेडिंग डिस्कस नहीं करते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ पल्स आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकते हैं. कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, सपोर्ट लेवल क्या है या रेजिस्टेंस लेवल क्या है. अगर सपोर्ट लेवल ये है तो क्यों है, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है तो क्यों है, उसी का एक नॉलेज शेयरिंग का पर्सपेक्टिव है, ताकि आप खुद 15-20 दिन या एक महीने का मेरा एनालिसिस देखने के बाद खुद एनालिसिस कर पाओगे. यू डिडंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन एल्स. सो यही मेरा प्रयास है. यहाँ पे स्पून फीडिंग का इंटरेस्ट मेरा नहीं है कि यहाँ पे बाई करो, ये स्टॉप लॉस होगा, ये सेल करो, ये स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा, ऑल दिस थिंग्स, ये मेरा टारगेट नहीं है. मेरा टारगेट है आपको एक पर्सपेक्टिव दिलाना, ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पे प्रेशर सेलिंग का है या बाइंग का है. यहाँ पे हम बाई साइड से खेल सकते हैं या सेल साइड से खेल सकते हैं. आप लोग ऑलरेडी अच्छा ट्रेडर्स हो तो आप लोगों का खुद का कुछ सिस्टम्स होंगे, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं. सो अभी के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे. थैंक यू एंड बाय बाय.